सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट 3D के रिगार्डिंग। एंड गाइज, ये हमारी सीरीज का 10th पार्ट है। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं कुछ ऑप्शंस की बात करने वाला हूँ डिफॉर्म के। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऑप्शंस देखे थे डिफॉर्म के और कुछ ऑप्शंस हमारे बच गए थे, सो इस वाली वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ बाकी के बचे हुए ऑप्शंस। सो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ न्यू कंपोजिशन, कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट टाइप कर रहा हूँ कॉम्प 3 एंड देन ओके प्रेस कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एक बैकग्राउंड। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू देन सॉलिड और ओके प्रेस करते हैं। अगेन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ बैकग्राउंड, राइट क्लिक करेंगे, न्यू देन सॉलिड और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एलिमेंट, ओके प्रेस कर रहा हूँ। अब जाएंगे इफेक्ट में, यहाँ पे आपको मिलेगा वीडियो को पायलट देन एलिमेंट। अब मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ सीन सेटअप के ऊपर। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट के ऊपर और यहाँ से जस्ट मैं एक ले रहा हूँ स्फेयर। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ वायरफ्रेम मोड में और यहाँ पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेगमेंट। ठीक है, सो सेगमेंट को मैं कर रहा हूँ अराउंड 35। ठीक है, सो दैट हमें यहाँ पे ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिले जब हम यहाँ पे इसे डिफॉर्म करेंगे या ट्विस्ट करेंगे, कुछ भी ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, सरफेस ऑप्शन, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल्स। सो आपको इसे यहाँ पे करना है डायनामिक डिफॉर्म। इसका रीज़न यहाँ पे ये है करने का, बिकॉज हम यहाँ पे इसको डिफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट यहाँ पे अच्छे से यू नो डिफॉर्म हो या ट्विस्ट हो, सो इसलिए हम यहाँ पे इसे कर रहे हैं डायनामिक डिफॉर्म। और यहाँ पे जो इसका नॉर्मल थ्रेशहोल्ड है, यहाँ पे मैं इसे कर रहा हूँ अराउंड 180 और 200। ठीक है, अब यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि इसके जो यहाँ पे वर्टेक्स हैं, सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इसके जो अभी एक्चुअल वर्टेक्स हैं वो कुछ 73,500 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करेंगे। सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज मैश। इससे क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप इसे ऑन करते हो, सो ये इसे लो पॉली कर देगा। लो पॉली मतलब इसके जो भी हाई वर्टेक्स होंगे, इसके वर्टेक्सेस यहाँ पे ये थोड़े कम कर देगा। रेंडर टाइम यहाँ पे कम लगेगा और रेंडर स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी और थोड़ा सा हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे हैंग भी नहीं होगा। सो अभी यहाँ पे मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ एक मटेरियल कुछ इस टाइप से, और इन्वायरमेंट मैं यहाँ से ले रहा हूँ कुछ ये वाला, देन ओके प्रेस कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट करने वाले एक न्यू कैमरा, सो राइट क्लिक करेंगे, न्यू देन कैमरा और ओके प्रेस कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं इसको आगे शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। ठीक है, वापस गए एलिमेंट लेयर के ऊपर और यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रुप 1। सो बेसिकली अभी हमारा ऑब्जेक्ट ग्रुप 1 के अंदर है और यहाँ पे हम गए पार्टिकल लुक और यहाँ पे आपको मिलेगा डिफॉर्म। सो अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ नॉइस। सो मैं नॉइस के ऑप्शन को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे इसे कर रहे हैं अनेबल। ठीक है, सो दैट यहाँ पे जो ये नॉइस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करें। देन यहाँ पे हमें मिलता है इंटेंसिटी, आपको यहाँ पे नॉइज़ की इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी रखनी है कुछ इस टाइप से। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप इसको कुछ इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा मेथड, इट मींस यहाँ पे नॉइज़ आपको किस टाइप से चाहिए, डिस्टॉर्शन नॉइज चाहिए या 3D डिस्टॉर्शन नॉइज चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे इसे रख रहे हैं नॉइज़ और मैं फर्स्ट फ्रेम में गया और मैंने यहाँ पे की लगाई और मैं कुछ फ्रेम आगे गया और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया अराउंड 60। ठीक है, सो कुछ इस टाइप से वर्क करेगा। यहाँ पे आपको मिलता है स्केल, आप स्केल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैं स्केल को कर लेता हूँ अराउंड 300, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन एवोल्यूशन के, आप इसको यू नो कुछ इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एडवांस का ऑप्शन। सो एडवांस के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलते हैं इसके, इंटेंसिटी एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पे ऊपर था इंटेंसिटी और आप इसको मैन्युअली यहाँ पे कर सकते हो, लाइक जो भी आपको एक्सिस में इसको रखना है वो आपका एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। ठीक है, सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे वर्क करेगा। सो अभी मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ वाई एक्सिस में कुछ इस टाइप से लाइक दिस। ठीक है, और स्केल आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर लो, इसका जो स्केल है।
यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं एक्सपोनेंशियल के, अगर आप इसको चेंज करते हो तो आप देख सकते हो कि अंदर की तरफ यहाँ पे इसे श्रिंक कर रहा है कुछ इस टाइप से। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे गया ट्विस्ट में और मैंने यहाँ से इसे अगेन अनेबल किया ट्विस्ट को, और इसके वाई एक्सिस में मैं इसे थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैमरा पीछे कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। नाउ सी, अब यहाँ पे जो ट्विस्ट है, सो अगेन मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ जीरो, और फर्स्ट फ्रेम में आया और मैंने यहाँ पे एक की लगाई ट्विस्ट वाई के ऊपर, और यहाँ पे यू प्रेस कर रहा हूँ सो दैट मैं यहाँ पे सारी की फ्रेम्स को देख पाऊँ, और यहाँ पे इसे मैं कर रहा हूँ अराउंड 90। नाउ सी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम वापस गए नॉइस के ऊपर, और नॉइस की थोड़ी सी स्केल वैल्यू को मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट को भी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा यहाँ पे इसकी वाई की वैल्यू को मैं अराउंड कर रहा हूँ 1100 समथिंग लाइक दिस। इसके बाद जस्ट मैं कैमरे में लगा रहा हूँ की, सो मैं पी प्रेस कर रहा हूँ, पी फॉर पोजीशन, और मैंने यहाँ पे की लगाई और कुछ फ्रेम आगे गया, और थोड़ा सा मैं इसे पीछे कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से लाइक दिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस गए एलिमेंट लेयर के ऊपर, और यहाँ पे हमें मिलता है पार्टिकल रोटेशन, और मैं यहाँ पे जस्ट इसे मूव करने वाला हूँ वाई एक्सिस में अगेन। सो मैं अभी की फ्रेम्स ना लगा के जस्ट इसके ऊपर ऑल्ट के साथ लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर रहा हूँ इस वाई स्टॉप वॉच के ऊपर, और यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ टाइम इंटू 20, सो दैट यहाँ पे ये मूव होता रहेगा वाई एक्सिस में, हमें यहाँ पे की फ्रेम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है सो आप इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा दो, लाइक 50 कर दो, यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर आप इसे यहाँ पे कम करोगे वैल्यूज़ को तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अभी जस्ट रेंडर सेटिंग, और यहाँ पे हमें मिलता है एम्बिएंट ऑक्लूजन, इसे मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ सो दैट हमें यहाँ पे एक डेप्थ यहाँ पे देखने को मिलेगी। नाउ सी, कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो रे ट्रेस्ड अगर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा है, सो दैट यहाँ पे ये क्वालिटी को थोड़ा इन्हेंस कर देगा। इसके बाद मैं यहाँ पे गया अगेन फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ शो इन बीजी, सो इट मीन्स जो भी हमने इन्वायरमेंट अभी यूज़ किया था एलिमेंट 3D के अंदर, मैं अभी यहाँ पे इसे ऑन करता हूँ, सो जो भी इन्वायरमेंट हमने यहाँ पे लिया था वो आपको यहाँ पे शो करेगा बैकग्राउंड में, और आप यहाँ पे जस्ट इसके वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं सो दैट जो भी रिफ्लेक्शन होगा इन्वायरमेंट का वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन द लास्ट हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया ग्रुप वन के अंदर, और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया पार्टिकल रेप्लिकेटर को ओपन करते हैं, और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया लाइक रिंग, और इसकी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक 4, और आप यहाँ पे इसकी मल्टीपल, आप यहाँ पे यू नो आप इसके यहाँ पे कुछ इस टाइप से कॉपीज यहाँ पे ले सकते हैं, सो उस टाइप से यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा रिंग के अकॉर्डिंग। सो प्ले करते हैं इसे एक बार। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करेगा, आप यहाँ पे इसको स्फेयर भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो काफ़ी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इस पर्टिकुलर ऑप्शन की हेल्प से। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग सो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ अपने काम के रिगार्डिंग। तब तक ले गाइज, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।